हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस एंटरटेनमेंट। माय नेम इज रिजवान और अभी हम आ चुके हैं वासु गोट फार्म पे। मिलते हैं इस गोट फार्म के ऑनर से राजबीर भाई से। राजबीर भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। सबसे पहले अपने फार्म का नाम और एड्रेस बताइए। फार्म भैया वासु गोट फार्म जी अजमेर राजस्थान में, रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पे। नियर बाय कहाँ पड़ता है लोकेशन? नियर बाय जनरल हॉस्पिटल। तो अभी क्या देखने वाले हैं? कुर्बानी के बकरे हैं। कितने बकरे होंगे अभी? 60 बकरे। सारे दो दांत चार दांत है? हाँ, दो दांत चार दांत। कौन कौन सी नस्ल वाले? कौन सी नस्लों में? ये मिक्स है, सिरोही छोटा तो सब मिक्स में, सारे मिक्स में। हल्की पट्टी का वाले? हल्की पट्टी मतलब कितने रुपए पट्टी से आएंगी? दिल्ली वाले लोग, दिल्ली गुजरात के लोगों को ज्यादा पसंद आता है ऐसा लोट। अच्छा, कम वजन का? हाँ, नॉर्मल प्राइस रहता है इसका। महाराष्ट्र के लिए जो हैवी वेट के बकरे चाहिए होते हैं? हाँ, महाराष्ट्र वालों को हैवी वेट, वो अलग लोड खड़ा अपने पास 150 बकरों का। अच्छा, ये कितने पीस होंगे? ये है भैया 60 पीस है। 60 पीस है। कौन कौन सी नस्लें हैं इसमें? इसमें सिरोही, सौजत, कोटा, तोतापुरी, ये सब सारे मिक्स है। अभी क्या खिला रहे हैं आप इन्हें? ये जो है भैया जो जौ खा रहा है। जौ के क्या फायदे रहते हैं खाने से? ये वेट गेन करते हैं। अच्छा, वेट गेन करते हैं। तो डाइट काफ़ी अच्छी चल रही है इनकी अभी। अभी तो ईद में करीब एक महीने का अधिक समय है, टाइम है। अभी से आप स्टॉक करके रख लेते हैं माल? 250 बकरे खड़े हैं। हल्का माल अगर किसी भाई को चाहिए तो 60 बकरों का लोट है अपने पास। ईद से कितने दिन पहले तक आपने अपने पास माल रहता है? ईद से तो हमने 3 महीने पहले से तैयारी करके रखा है। अच्छा ना, और ईद से कितने दिन पहले माल आप सेल आउट कर देते हो सारा? ईद से 3 दिन पहले तक हो जाता है। 3 दिन तक पहले? अभी तो मतलब अभी एक महीने से ऊपर का समय है। दिखाई कोई बकरा पकड़ के दिखाइए, वेट वगैरह दिखाइए। ये देखो क्या बॉडी वेट होगा इसका? इसका बॉडी वेट अभी 60 केजी का। कौन सी नस्ल है ये? नस्ल है अलवर साइड का बकरा, गुजरी टाइप का, गुजरी। हाँ, गुजरी क्रॉस में लग रहा है ये, क्रॉसिंग जो है गुजरी इसका। मिक्स ब्रीड है सारी, मिक्स है ये। और दिखा दीजिए दूसरा कोई लाइट वेट में। सेल जो कर रहे हैं आप पीस से कर रहे हैं या वेट से? पीस से कर रहे हैं, कुर्बानी का माल पीस से कर रहे हैं। ये कितने रुपए पीस से पट्टी है ये? अगर 60 बकरों का लोट अगर कोई भाई लेना चाहता है तो ये दे दूंगा मैं आपको 17,000 के बाद। 17,000 रुपए में? कितना एवरेज आएगा पट्टी का इनका? एवरेज वेट, बॉडी वेट जी, इनका बॉडी वेट आ जाएगा भैया 48 के समथिंग आ जाएगा। और अगर ये पीस लेना चाहिए कितने का देंगे आप? सिंगल पीस वो सेलेक्ट करने के बाद बता सकते हैं। ये वाला का रेट बता दीजिए ऐसे। ये वाला पड़ेगा वो 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये का। ये देखो तोतापुरी का, सारे दो दांत चार दांत हैं। हाँ, सारे दो दांत चार दांत। ये देखो तोतापुरी में ये कितने दांत होगा अभी? ये हमने 4 दांत होगा मेरे ख्याल, 4 दांत। 4 दांत। हाँ। इसका वजन कितना होगा? इसका वजन है 55। तो कोई भी भाई आना चाहे तो राजवीर भाई से कॉन्टेक्ट नंबर जिसके डिस्प्ले पे दिख रहे हैं आप आइए। और ईद के खासी टाइम खासी बकरे मिल जाएंगे आपको, जिसका इनके फार्म का नाम है वासु गोट फार्म, जो कि जनाना हॉस्पिटल के पास में राजस्थान अजमेर में पड़ता है। जी कौन सी नस्ल है? ये तोतापुरी प्योर मी क्रॉस में। और इसका क्या बॉडी वेट होगा? इसका 60 बताया ना, 60 केजी होगा। काफी एग्रेसिव दिख रहा है ये। और दिखाइए राजू भाई, अगर कोई ईद की खस्सी बकरों के अलावा कोई बकरी वगैरह लेना चाहे? सब मिल जाएगा। तो कौन कौन से नस्लों पे आप काम करते हैं? सब ऑल ब्रीड, सिरोही, सौजत, कोटा, बिटल, तोतापुरी, कटिंग, सब सब पे काम करते हैं आप। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए इस फील्ड में? 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। अच्छा, ये कौन सी नस्ल है आप पकड़ लें? सारा मिक्स है। ये मिक्स है। अच्छा, और दिखाइए। ये अपना गुजरी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी शाइनिंग है इसके अंदर। इसका वजन कितना होगा? इसका वजन 50 तो ज़्यादा बता रहे हैं आप। हल्का बकरा, हल्का लग रहा है ये। 45 to 50 के बीच में भरा हुआ बकरा है ना पूरा। ये तो बहुत कमज़ोर हो गया। ये कमज़ोर हो गया, इसको पानी सूट नहीं हुआ यहाँ का। अच्छा, कहीं और से लाए थे आप इसे? अलवर से लाए हैं। अलवर से लाए थे। इसका क्या बॉडी वेट होगा? इसका 50 होगा इसका भी। ये अलवर है? हाँ, ये सिरोही का है, सिरोही का है। अगर कोई भाई अगर कटिंग का माल भी लेना चाहता है तो वो भी मिल जाएगा। कटिंग की शीप वगैरह मिल जाएंगी? हाँ, शीप
सिर्फ वगैरह लैम्ब वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, लैम्ब भी मिल जाएंगे। हाँ, प्रेग्नेंट बकरियां भी है अपने पास अच्छी खासी, अभी लोड खड़ा है। बीटल बरबरी जैसी इस नस्ल में सब नस्ल में काम करते हैं, मिल जाएंगी। हाँ जी, तो अगर अगर कोई आना चाहे रेलवे स्टेशन से तो आप रिसीव कर लेंगे उसको? हाँ, रिसीव कर लेंगे, फोन करके बता दे जी कर लेंगे। आप पकड़ लीजिए इस बकरे को, क्लिप ले लें स्क्रीन। ठीक है राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। कोई भाई आना चाहे तो वो आ सकता है जनाना हॉस्पिटल के पास में, राजस्थान अजमेर में आइए। कॉन्टैक्ट नंबर राजू भाई के दिख रहे हैं, एक बार आपने नंबर बता दीजिए आप। 7240212525। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे भी आपको मेंशन कर दूंगा, और कोई भाई लेना चाहे तो वो आ सकता है, मस्ट विजिट कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।